और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम कम्बो बॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कम्बो बॉक्स क्या है और उसे कैसे आप अपने टेबल के साथ ऐड कर सकते हो। कम्बो बॉक्स का भी बेसिकली फंक्शन वही है जैसे पहले हमने लुकअप विजिट्स पे काम किया था, उसके जो फंक्शन थे वही सारे काम आप कम्बो बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो। कम्बो बॉक्स के थ्रू आप कैसे कर सकते हो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड बनी हुई है जो कि फर्स्ट टेबल के नाम से। मैं यहाँ पे एक और न्यू टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट, और क्रिएट पे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल या बल्कि इसी टेबल के अंदर काम कर लेते हैं। इसके यहाँ पे मैं डिजाइन व्यू में जाता हूँ, होम में जाके, और आप यहाँ से व्यू में जाके आप इसके डिजाइन व्यू में चले जाएं। इसके डिजाइन व्यू में मैं कुछ और चीजें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जी सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट टेक्स्ट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। और इसी तरह मैं यहाँ पे क्रिएट में जाके एक टेबल क्रिएट करता हूँ न्यू, उसमें भी यही नाम देता हूँ सब्जेक्ट, और इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट दे देता हूँ और यहां से इसको क्लोज कर देता हूँ, नाम इसको सब्जेक्ट ही दे देता हूँ। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें और इस पे आप सब्जेक्ट टाइप कर लें, जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उर्दू, कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडी और फॉर एग्जाम्पल जर्नल नॉलेज। ओके, तो यहां पे मैंने ये चीजें ऐड कर ली और इसको अब मैं यहां से क्लोज कर लेता हूं। ओके, सब्जेक्ट में सारी चीजें ऐड होगी और इसको मैंने क्लोज कर लिया, यहां पे सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं और यहां पे ये ऐड होगी। अब यहां पे मैं फर्स्ट टेबल पे क्लिक करता हूं, फर्स्ट टेबल में आ गया, फर्स्ट टेबल के व्यू में जाके इसके डिजाइन व्यू में आता हूं मैं, और डिजाइन व्यू में जो है हमारे पास डिजाइन व्यू में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर शॉर्ट टेक्स्ट है, इसके साथ आपको यहाँ पे नीचे जनरल, जनरल के साथ आपको लुकअप नजर आ रहा है। लुकअप पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे इसका एक ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखें कम्बो बॉक्स का ऑप्शन है, कम्बो बॉक्स पे क्लिक करें। कम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो के पास यहाँ पे रो सोर्स का ऑप्शन आ जाता है, रो सोर्स पे क्लिक करें। रो सोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने रो सोर्स दे देना है, जो कि यहाँ पे कौन सा रो सोर्स मैंने देना है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हो तो मैं सब्जेक्ट का रो सोर्स देना चाह रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर लें और यस करके सेव कर लें। अब जब आप फर्स्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और इसके साथ आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट भी ऐड हो चुका है, और सब्जेक्ट में जाके आप देखिएगा सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं, और सब्जेक्ट में जाएं जाके आप यहाँ पे इस पे देखें तो आप बस यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक और टेक्निक सी आपके पास आप सब टेबल ऐड करने की। ओके, तो आप यहां से और भी टेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप सीटी भी आ गया हमारे पास, देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म से हमने क्या किया यहाँ पे दूसरी फील्ड ऐड करने सीखी। तो ये था कम्बो बॉक्स का ऑप्शन, और यहाँ पे इसके व्यू में जाके इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्बो बॉक्स में जो ही आपने इस पे काम किया कम्बो बॉक्स के ऑप्शन पे, जैसे कि हमने सब्जेक्ट पे किया, या फिर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करें, जेंडर में भी लुकअप में हमने कम्बो बॉक्स पे काम किया हुआ है। देखें डिस्प्ले कंट्रोल कम्बो बॉक्स है, वैल्यू लेस सी है, जेंडर है, सारी की वैल्यू दे दी गई, और यहाँ पे इस पे और भी चीजें आ गई। इसी तरह मैंने सब्जेक्ट पे जाके जरा देखें, सब्जेक्ट पे भी आप देखें तो सब्जेक्ट में भी इसी तरह कम्बो बॉक्स है, टेबल क्यूरी है, और रो सोर्स ओनली हमने दे दिया जो कि सब्जेक्ट के नाम से दे दिया। अब रो सोर्स में यहाँ पे देखें सब्जेक्ट आ गया और
इसी तरह अगर आप एज में देखें तो एज में आपके पास क्या आ गया, कंप्लीट रिसोर्सनेस, पूरी की पूरी वैल्यू जो हमने मैनुअल ऐड की थी यहाँ पे वो आ गई। इसे जेंडर में देखें तो जेंडर में आपके पास कंप्लीट एक फील्ड लिखी हुई है। अब होता ऐसा है कि जब आप लुकअप विजिट्स पे काम करते हैं उस पे जो चीज आप टाइप कर रहे होते हैं वहां पे तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है, जबकि जब आप कोई अलग से टेबल क्रिएट करके जब उसको इसके साथ मर्ज करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेबल का नाम आ जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट पे उस टेबल का नाम आ गया सब्जेक्ट, सिटी पे मेरे ख्याल से हमने सिटी का ही बनाया था, सिटी पे उस टेबल का नाम सिटी आ जाएगा, देख सकते हैं फ्रॉम सिटी देख सकते हैं। तो अब यहां से इन दोनों में ये फर्क है। तो ये था आपके पास टेबल जो कि तकरीबन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, टेबल का ऑप्शन क्रिएट में, टेबल का ऑप्शन तकरीबन इसमें हमने कंप्लीट काम कर लिया। अब टेबल ऑप्शन में जो हमारे पास जनरल और लुकअप में जो जो चीजें हैं जिनकी सेटिंग है इनके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।